हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया। और ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा, उसकी एनालिसिस करूंगा, और उसमें हम ये देखेंगे कि हमें इसमें कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है टेक्निकल बेसिस पे, फंडामेंटल्स उसके कैसे हैं, और अगर हमारे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी दिखे तो हमें उसमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, कब बाई कब सेल, स्टॉप लॉस क्या और टारगेट क्या होना चाहिए, और हमारा व्यू क्या होना चाहिए। तो वो मैं पूरा आपको एक नॉलेज देने वाला हूँ, इसलिए आप ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए देखिए, कोई टिप या फिर एडवाइजरी नहीं है। और अगर आपको लगे कि ये कोई टिप या फिर एडवाइजरी है तो आप इसको उस तरह से मत लीजिए। ये सिर्फ मैं सिखा रहा हूँ कि जो करंट टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिली है, जो चार्ट के स्ट्रक्चर बने हैं, जो फंडामेंटल चेंज हुआ है, उसको आप अगर एज ए नॉलेज यूज करेंगे और इसको नोट करके रखेंगे, और अगर ऐसा ही किसी दूसरी कंपनी में दिखेगा तो आप वहाँ पर अपना डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, और आप उसमें एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि वेदर आपको इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल, ट्विटर आईडी एंड इन सबको ज्वाइन एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। स्टॉक का नाम है यथार्थ हॉस्पिटल्स लिमिटेड, यथार्थ करके इसका सिंबल है, और आपको ये सब अच्छे से पता होगा। अगर हम स्टॉक के बारे में बात करें सो इसके बारे में आपको अपनी स्क्रीन दिखाना चाहूंगा, तो चलिए उस पर देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो स्टॉक है यथार्थ हॉस्पिटल और ट्रॉमा केयर सर्विस समथिंग इसका नाम है, सिंबल जो है यथार्थ है, तो इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं उसके बारे में एक जंप ओवरव्यू ले लेते हैं। और आपको हमेशा याद होना चाहिए कि जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हो तो उसके फंडामेंटल को जरूर देखो, और ये देखो कि वो सही जगह पे है कि नहीं, मतलब कंपनी काम भी कर रही है कि नहीं, कंपनी की ग्रोथ हो भी रही है कि नहीं, वरना आप कोई गलत स्टॉक ले लोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और इस सब चीज के लिए मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं। आप अगर फंडामेंटल सीखना चाहते हो तो आप फंडामेंटल अगर सर्च करेंगे मेरे यहाँ यूट्यूब चैनल पे आकर के, सो फंडामेंटल, आई थिंक स्पेलिंग गलत है तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा, एफ ई एन, ओके। सो फंडामेंटल मैंने लगभग 4 घंटे का वेबिनार है, आप इसको देख लीजिए फंडामेंटल के बारे में। और स्क्रीनर वेबसाइट आपको अगर यूज करना नहीं आता तो उसके बारे में मैंने आपको वीडियो बना के दिया हुआ है, तो आप स्क्रीनर वेबसाइट को आप इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। तो पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहता है मेरा चैनल, और आप सबको पता होगा, तो जरूर ये दोनों देख करके समझ लीजिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंपनी जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है, हॉस्पिटल्स का इनका कामकाज है, और 4493 करोड़, मतलब 500 करोड़ मान लो, एक छोटी कंपनी है। और अगर हम कंपनी के पीई की बात करें तो 35 का स्टॉक का पी है, और जो इंडस्ट्री का पी है वो 55 है। तो अगर हम देखें इंडस्ट्री के पीई के मुकाबले ये जो स्टॉक है काफी सस्ता है, तो ये एक तरीके से पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। साथ में अगर हम कंपनी का आरओई देखें सो 21% का है, 15% से ज्यादा होना चाहिए हमें अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो, वो अच्छी बात है। 23% इसका आरओसी है, तो आरओसीई हमेशा आरओई से ज्यादा होना चाहिए, ये भी एक अच्छी बात है। और अगर हम बात करें आगे इसके डेट टू इक्विटी की, सो डेट टू इक्विटी जो है वो 0.10 है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है, और ये बिल्कुल एक से नीचे होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 0 होना चाहिए, बट 0 नहीं होता, बट आप इसमें समझो 0.5 के नीचे अगर है तो वो फिर कंपनी अच्छी मानी जाती है, तो ये भी एक अच्छी बात है। ओके, तो यहाँ पे जो हम देखें मोटा मोटी जो कंपनी का है वो ठीक है। अर्निंग परसेंट देखें तो 40 रुपीज का अर्निंग परसेंट निकल के आ रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। अब हम जरा ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ की बात कर लेते हैं। सो अगर हम यहाँ पे देखें सो कंपनी का, अच्छा इस कंपनी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ, जो मैंने कहा था ना नॉलेज आपको देना चाहता हूँ उसके लिए, ओके वो चीज आप याद रखिएगा, वो मैं भी बताता हूँ, तो इसमें वीडियो में बने रहो, वीडियो छोड़ के भाग जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर देखोगे इनके जो है बेसिकली क्वार्टरली रिजल्ट को, तो क्वार्टरली रिजल्ट जो है इनके 111 करोड़ के हुए करते 2022 में, अभी वो बढ़कर के 212 हो गए, मतलब डबल का ऑलमोस्ट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम देखें तो 155 से 212, तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ हुआ है और क्वार्टरली बेसिस पे भी ग्रोथ हुआ है। और अगर हम देखें तो कंपनी का सेल्स जो है वो ग्रो कर रही है, यानी कि कंपनी की रेवेन्यू ग्रो कर रही है। अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपका लगभग लगभग डबल हो गया है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो वो भी ग्रो करके बैठा हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ओपीएम बेसिकली जो परसेंटेज है, तो वो एक तरीके से देखा जाए तो एक यहाँ पे थोड़ा सा घटा हुआ है, मतलब अगर देखें तो 3 क्वार्टर से घटा हुआ है, बट दैट इज ओके, फिर भी 25% का ओपीएम है तो अच्छी बात है। ओके, इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा प्राइस साइडवेज रहे, उतना ज्यादा ग्रोथ ना दिखाई दे, बट दैट इज ओके। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो कंपनी में जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल नील के बराबर है, अभी सिर्फ 3 करोड़ का इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, तो देखा जाए तो ठीक ठाक ही है। 30 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है, जो कि हम पैट बोलते हैं।
तो ये भी एक अच्छा खासा ग्रोथ इसमें दिखाई दे रही है, आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पिछले साल के मुकाबले इनका जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा गिरा हुआ है। इसका रीजन ये है कि आपको पता होगा कि जो बेसिकली गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स निकाले थे हॉस्पिटल्स को लेकर के, उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हुई होगी। बाकी देखा जाए तो कंपनी ने मैनेज कर लिया है। अब अगर हम इनके ईयरली बेसिस की बात करें तो ईयरली में भी ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई दे रही है सेल्स में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर आप इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट जो है कि बहुत ही कम हो गया है। बेसिकली उन्होंने अपना इंटरेस्ट का कॉस्ट घटाया है, यानी कि अपने डेट का रीपेमेंट किया हुआ है। नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रो करके बैठा हुआ है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो कंपनी में देखा जाए तो ग्रोथ कंपनी की अच्छी हो रही है। अच्छा, मैं ये सब बता रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं कि ये बहुत अच्छा ही है। मतलब कल को अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो स्टॉक गिर जाएगा, तो आप ये मत कहना सर आपने तो बहुत अच्छा बताया था फिर गिरा क्यों, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल चेंज होते रहते हैं और आपको ये पढ़ते रहना चाहिए और हमेशा नजर रखनी चाहिए। आप इस चीज को देख करके जाओगे फिर दिक्कत आ जाएगी, तो आप इसमें नजर भी बना के रखना आगे चल के अगर आप इसमें करना चाहते हो तब। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो इनका जो बेसिकली टोटल रिजर्व है वो अच्छा खासा रिजर्व ग्रो कर रहा है, और यहाँ पे देखेंगे आप तो जो डेट है इनका 264 करोड़ आपका कम हो चुका है, तो डेट इनका बहुत अच्छे से कम हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। अब अगर हम कंपनी में प्रमोटर्स की और जो होल्डर्स हैं शेयर होल्डर्स उनकी बात करें FISDIS की, सो प्रमोटर्स ने अपना स्टेक इंटैक्ट रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो FIIs हैं वो जो है बेसिकली बीच में आए थे फिर भाग गए थे, फिर थोड़ा सा बढ़ाए और फिर यहाँ पे बढ़ा हुआ, तो पिछले दो क्वार्टर से अगर हम बात करें तो जो FIIs हैं इनका स्टेक जो है बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी बात निकल के आ रही है कि बड़े लोग भी खरीद रहे हैं। और जो पब्लिक DIIs है तो DIIs भी इसमें इन्वेस्टेड है और ग्रोथ हो रही है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का भी यहाँ पे बेसिकली डाउन हुआ है, तो पब्लिक तो आपको पता ही है आप लोग बेचते हो माल, आपके पास तो माल रखना आता नहीं है। टोटल शेयर होल्डर्स की बात करें तो ये भी अच्छी खासी ग्रोथ कर रखी है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स होल्डर्स इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो ये था इसका फंडामेंटल का चेक। ओके, अब इसमें मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं वो याद रखो, या फिर जो भी मुझे फॉलो करते हो तो आपको इसी प्रोसेस में देखना चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। और अगर आपको सीखना है तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है तो वो अच्छे से सीखिए और देखिए। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था मैंने आपको बताया, उसके बारे में आपसे बात कर लेता हूं। तो उसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मुझे बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है। आप अगर देखोगे तो कंपनी ने अपना कर्जा कम किया। बेसिकली अगर कर्जा कम हो जाएगा तो इंटरेस्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी, इंटरेस्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी तो उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ जाएगा, उससे ईपीएस बढ़ जाएगा, उससे आपको प्राइस में पी में एक्सपेंशन दिखाई देगा। तो देखा जाए तो कंपनी ने अपना कर्जा घटाया हुआ है, ये बहुत अच्छी बात निकल के आ रही है। ओके, और अगर कंपनी का कैश फ्लो देखें तो नेट कैश फ्लो कंपनी पॉजिटिव है, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है, आप इस पर अंडरस्टैंड करिए, ये सब चीजें जल्दी मिलती नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कंपनी नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके बारे में मैंने आपसे बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर निकल के आ रहे हैं। टेक्निकल के बारे में अगर हम बात करें, सो सबसे पहले स्टॉक का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखें। सो मंथली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है वो बुलिश है, बेसिकली अच्छा खासा बुलिश है, बट यहाँ पे एक नेगेटिव बात यह है कि वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, हालांकि बुलिश है तो वॉल्यूम्स अच्छी खासी होनी चाहिए थी, वो अच्छी बात थी, बट उतनी ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं है। ओके, और अगर दूसरी बात करें तो वॉल्यूम में ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो वो भी एक अच्छी बात है। ओके, तो यहाँ पे अभी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नेगेटिव है। अगर वीकली चार्ट की बात करें, सो वीकली चार्ट जो है आपका वो ब्रेकआउट देके बेसिकली पुलबैक में आ रहा है। इसमें ब्रेकआउट हुआ था लगभग आपका 19 अगस्त वाला जो वीक था उसमें ब्रेकआउट हो गया था। ब्रेकआउट के टाइम पे जो वॉल्यूम थी उस वॉल्यूम कैंडल का वॉल्यूम सबसे ज्यादा बड़ा था एवरेज में अगर देखेंगे तो। आप इसको थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। ओके, तो जो इस ब्रेकआउट की कैंडल की वॉल्यूम थी वो बाकी के जो वॉल्यूम्स थी, बाकी एवरेज वॉल्यूम आप अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा थी। ये एक पॉजिटिव चीज है कि ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम के साथ हो रहा है, तो ये टेक्निकल पैरामीटर बहुत अच्छा मैच कर रहा है। डेली पे अगर हम ब्रेकआउट की बात करें तो डेली पे ब्रेकआउट देकर के बेसिकली डेली पे हुआ है, तभी वीकली पे हुआ है, पुल बैक देकर के अब ये थोड़ा ऊपर जा रहा है। सो अब ये जो टेक्निकल पैटर्न है ब्रेकआउट का पैटर्न है और एक बहुत अच्छा पैटर्न माना जाता है, तो हमें कहीं ना कहीं जब भी हमें कहीं ब्रेकआउट दिखे तो हमें जरूर वहां पे फोकस करना चाहिए, सब्जेक्ट टू कि उसके फंडामेंटल अच्छे हैं। ओके, तो यहाँ पे तो हमने फंडामेंटल देख लिया कि अच्छा है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल में एंट्री कैसे करनी चाहिए। तो पहली बात कि ये कोई टिप नहीं है, ये मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे एंट्री करनी चाहिए अगर ऐसा पैटर्न दिखाई दे तो। देखो ये सब चीजें मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि लोग है ना मिस कर जाते हैं। तो देखो जब ब्रेकआउट हो जाए तो आप पुलबैक में एंट्री कर सकते हो, लेकिन तुरंत मत करो।
थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में बाई करो, जैसे 50% क्वांटिटी अभी बाई कर लो, उसके बाद लेट से हल्का सा नीचे आए तो बाई कर लो, और या फिर हल्का सा ऊपर जाए ब्रेकआउट दे दे तो फिर बाई कर लो। तो आप आराम से यहाँ पे एंट्री कर सकते हो जो कि 540 से लेकर के 500 या 480 480 रुपीज तक है, यहाँ पे आराम से आप एंट्री कर सकते हो इस पूरे लेवल में। ओके, आराम आराम से इसको परचेस करो। स्टॉप लॉस जो आपका इसमें रहना चाहिए वो थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा। अब चूंकि ये मैं इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहा हूँ इसलिए मैं आपको बड़ा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, अगर मैं ट्रेडिंग के लिए बताऊंगा तो वो छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, वो मैं आपको बता दूं। ओके, और यही आपको करना भी चाहिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए, और अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो छोटा स्टॉप लॉस। तो पहले इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बता देता हूँ। सो जो इन्वेस्टर्स होंगे उनका स्टॉप लॉस जो होगा वो स्विंग लो हो जाएगा जो कि 440 का निकल के आ रहा है। सो 440 का आपका स्टॉप लॉस निकल के आ जाएगा बिकॉज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो आपका इसमें टारगेट क्या निकल के आएगा इसको देख लेते हैं। सो टारगेट जो निकल के आएगा वो काफी बड़ा निकल के आएगा। अब चूंकि हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं इतना बड़ा तो हम टारगेट भी बड़ा लेंगे तभी तो हमारा कुछ मतलब होगा। तो मैं इसमें मानता हूँ कि लेट से हमारी एवरेज पोजिशन यहाँ पे बनेगी और स्टॉप लॉस जो है वो 17% का है, मतलब 90 पॉइंट का निकल के आ रहा है। तो हमें सीधे सीधे इसमें 1:3 का ट्रेड करना चाहिए, मतलब 290 9 9 9 3 27 30 रुपए। तो इसमें हमारा जो टारगेट बन के आएगा वो 750 रुपीज का निकल के आएगा, और ये टारगेट अचीव होने में कम से कम हमें 1 से 3 साल का टाइम देना पड़ेगा। ओके, अगर मार्केट जैसा कि गिर रहा है, गिरा तो ये थोड़ा नीचे भी आ सकता है, बट ये आप मान के चलो कि 1 से 3 साल तक का आपको टाइम देना पड़ेगा। और अगर ये इसके नीचे चला जाए तो फिर ये स्टॉक आपका खराब हो जाएगा, यानी पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो आप इसमें से एक बार एग्जिट ले लीजिएगा। और यही तरीका है आपको ट्रेड करने का, इन्वेस्टमेंट करने का। बाकी आपके पास रिस्क टू रिवॉर्ड काफी अच्छा निकल के आ रहा है तो आप यहाँ पे जरूर काम कर सकते हो, अगर ऐसा कोई सेटअप बने या मिले उसके बेस पर। ओके, अब जो ट्रेडर है उनके बारे में बात करो तो ट्रेडर लोगों का क्या करना चाहिए। ट्रेडर लोगों को पहली बात तो पुलबैक का वेट करना चाहिए, और पुलबैक में अगर मिल जाए तो उनको थोड़ा सा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, मैं थोड़ा एक ये रेजिस्टेंस था, फिर एक ये रेजिस्टेंस था, और एक मेन वाला जिसको ब्रेकआउट किया, तो ये नीचे वाला रेजिस्टेंस जो है वो फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा। तो इसके थोड़ा सा नीचे जो कि 475 का निकल के आ रहा है, सो जो ट्रेडर है वो 475 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए उनको, बिकॉज ट्रेडिंग जो होती है वो छोटे स्टॉप लॉस के साथ होती है। तो ऐसा अगर कुछ दिखाई दे पैटर्न तो रेजिस्टेंस के थोड़ा सा नीचे करना चाहिए। तो ये आपका फाइनल रेजिस्टेंस था, उसके थोड़ा सा नीचे जो कि 475 के आसपास निकल के आ रहा है। टारगेट इसमें कैसे होगा, तो 600 का पहला टारगेट और 650 का सेकंड टारगेट निकल के आ जाएगा। तो आप इस तरह से 650 आई थिंक मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो जाएगा, 600 का टारगेट के साथ आप काम करिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। 575 और 600, ओके रिपीटिंग वंस अगेन, 575 और 600 ये आपका टारगेट निकल के आ जाएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म के लिए ये आपका हो गया, इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया ये तरीका था, ये पैटर्न दिख रहा था इस वजह से। अब इसको क्लब करते हैं। क्लब करने का मतलब ये है कि स्टॉक में टेक्निकली भी आपका बुलिशनेस दिख रही है और स्टॉक में फंडामेंटली भी आपकी बुलिशनेस दिख रही है। तो ऐसे जब भी आपको कुछ दिखाई दे तो आपको वहां पे जरूर एक बार फोकस करना चाहिए और कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, यही इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इसका अगर मैं लेटेस्ट एग्जांपल आपको दिखाऊं कि आपके लिए भी मैंने ये कर रखा है, तो विंडलास बायोटेक, अगर आप विंडलास बायोटेक की बात करेंगे तो 1 साल पहले मैंने आपको ये वीडियो बना करके दिया था और ये सेम चीज हो रही थी, उसमें टेक्निकली बुलिश हो रहा था और फंडामेंटली भी बुलिश हो रहा था, मैंने आपको एनालिसिस करके दिखाया। तो आप ये पूरे एनालिसिस जरूर करिएगा। और अगर करंट बेसिस पे अगर विंडलास की हम चार्ट की बात करें, सो विंडलास बायोटेक देख लेते हैं एक बार कहाँ पे है, तो इससे आपको थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी हो जाएगी कि ये जो प्रोसेस है, ये जो सिस्टम है, इसको कैसे यूज करते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा। सो 1 साल पहले का मतलब है कि मैंने करीब नवंबर यहाँ पे देख लेते हैं, मई यहाँ पे करीब यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे बनाया होगा, अब एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता है, बट 1 साल पहले का मतलब यही होता है। तो ये जस्ट आपका ब्रेकआउट दे रहा था तभी मैंने आई थिंक बनाया, या तो इस ब्रेकआउट पे या तो फिर इस ब्रेकआउट पे, किसी न किसी ब्रेकआउट में मैंने बनाया होगा इसी एरिया में। मैं फाइनल अगर बात करूं तो 350 के आसपास वो शेयर रहा होगा, 300 से 350, और आप देखिए वो शेयर धीरे 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 900 रुपीज पे चला गया, जो हमारा टारगेट था वो सब अचीव हो गया, उससे भी ज्यादा चला गया। तो यही बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, आप अगर फंडामेंटल और टेक्निकल इन दोनों को मिला करके ट्रेड करते हो, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, और अगर आपको यही सब सेटअप समझना है, सीखना है, तो मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जो कि मैंने आपको बता दूं। सो क्लासेस आपको मिल जाएगा, बेसिकली ये पूरा वीडियो आप देखिए, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 20 नवंबर से नई बैच चालू होने वाली है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो डिटेल के लिए आप ये वीडियो देख लीजिए और नवंबर की बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं।
सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।